तो भाईयों आज अपना ये EP03 भाई थर्ड एपिसोड है अपना भाई ड्राइविंग सीरीज का। इसको भाई मैं शॉर्ट रखूंगा बहुत ज्यादा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ भाई करेक्ट वे ऑफ स्लॉटिंग द गियर्स इन ए मैनुअल कार। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिल्कुल सही तरीका क्या है भाई गाड़ी के अंदर गियर्स को स्लॉट करने का। तो देख लो भाई, सबसे पहले कुछ इस प्रकार का अपना भाई गियर स्टिक होता है। मेन चीज जो आपको भाई ध्यान रखनी है, क्लच को आपको भाई पूरा प्रेस करना है जब भी आप गियर चेंज करोगे, चाहे भाई आपको गाड़ी को पिक करना है या फिर भाई आपको गाड़ी को भाई किसी प्रकार के गियर के अंदर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट से आपको भाई सेकंड के अंदर जाना है, सेकंड से आपको भाई थर्ड में जाना है। आपका जो क्लच है ना भाई, क्लच आपका भाई पूरा प्रेस होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई क्या करना है। अभी आपकी भाई कार सेंटर में, जब आपकी भाई सेंटर में होगी न्यूट्रल गियर में होगी, कुछ इस प्रकार से आपका भाई गियर बॉक्स रहेगा। अगर आपको भाई फर्स्ट में जाना है, सेंटर में अगर आप हो तो भाई लेफ्ट करके आपको फ्रंट पे जाना होगा। सीधी सी बात है, इसका पाथ भाई थोड़े टाइम बाद आपके दिमाग में ना सेट हो जाएगा जब आप भाई गाड़ी को रेगुलर चलाने लगोगे। ऐसे करा और आपने भाई ऐसे कर दिया, फर्स्ट गियर आपका लग गया, ठीक है, आपने गाड़ी चलाई भाई लगभग 10 से 12 की स्पीड तक। फिर आप वापस लाए इसको सेंटर में, फिर दोबारा सेकंड में जाना है। ऐसे करके लेफ्ट करके पीछे जाना है, लेफ्ट करके पीछे के भाई आपका सेकंड लग गया। वापस ले आया भाई, आपका गाड़ी न्यूट्रल के अंदर आ गई है, वापस ले आया भाई, ठीक है। अब आपको थर्ड में करना है, सेंटर से आपको फ्रंट पे करना है, थर्ड में चलेगी आपकी गाड़ी, न्यूट्रल में आना है, फिर से वापस ले आओ। न्यूट्रल से आपको भाई फिर से फोर्थ में करना है, थर्ड से फोर्थ में बेसिकली आपको पीछे को कर दिया, आपकी गाड़ी फोर्थ में चलेगी। फिर वापस लाए, अब आपको भाई फिफ्थ में करना है, राइट करके फ्रंट की तरफ, राइट करके फ्रंट की तरफ भाई आपकी गाड़ी फिफ्थ गियर में लगी। मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर आपको भाई कोई भी प्रकार का गियर चेंज करना है, फर्स्ट से अगर आपको सेकंड में ले जानी तो भाई न्यूट्रल पे गाड़ी को लाना ही होगा। ये चीज भाई रूल बना लेना, कभी भी थंब रूल है भाई, आपकी गाड़ी किसी भी पर्टिकुलर गियर में है, आपको भाई उस गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करना है गाड़ी को, आपको भाई न्यूट्रल पोजीशन पे हमेशा इस गियर स्टिक को लेके आना है। फॉर एग्जांपल गाड़ी आपकी खड़ी है भाई न्यूट्रल पोजीशन में ऑलरेडी है, तो भाई आपको रिवर्स गियर लगाना है। ऐसे करके पीछे की तरफ कर दिया भाई, आपका रिवर्स गियर लग जाएगा, वापस करा भाई, आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो गई है। ये चीज तो थी भाई आपकी कि आपको गियर्स को किस तरीके से भाई स्लॉट करना है। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई आपको गाड़ी को भाई किस स्पीड पे चलाना है किस पर्टिकुलर गियर के अंदर। सबसे पहले भाई गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए की पॉइंट बता रहा हूँ भाई, सबसे पहले तो भाई आपको चेक करना है आपकी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में है या नहीं है। दूसरी चीज भाई, आपकी गाड़ी चाहे क्लच से स्टार्ट होती है या फिर बिना क्लच के स्टार्ट होती है, क्लच को फुल्ली प्रेस करना है, देख सकते हो जिस तरीके से मैंने प्रेस करा। और अब मैं गाड़ी को भाई स्टार्ट करूंगा। इस समय हमारी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। चलो भाई गाड़ी को पिक करना, मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसने भाई पिछली वीडियो नहीं देखी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख लेना भाई उसको। क्लच मैंने पूरा दबाया, जैसे कि मैंने बताया पहला गियर मैंने लगा दिया भाई। अब गाड़ी को मैंने चलाना भाई स्टार्ट करा। अब पहले गियर के अंदर जो आपकी गाड़ी है ना भाई, वो चलेगी लगभग भाई 15 से 20 की स्पीड तक, ये आइडियल स्पीड मानी जाती है। इससे ज्यादा एक्सेलरेट करोगे भाई आपकी जो माइलेज है वो रिड्यूस हो जाएगी, साथ ही साथ भाई हो सकता है आपको भी जर्क वगैरह लगे। तो पहले गियर में हमारी गाड़ी 20 तक थी, सेकंड गियर मैंने लगा दिया भाई, क्लच रिलीज कर दिया, गाड़ी को चलाना स्टार्ट करा। सेकंड गियर में हमारी जो कार है भाई वो 30 की स्पीड तक जाएगी। और जो ये स्पीड्स मैं इसके अंदर बता रहा हूँ भाई, ये भाई आपकी ओनरशिप मैनुअल के अंदर भी दिख जाएगी आपको, साथ ही साथ भाई ये स्पीड आइडल मानी जाती है आपकी कार को भाई स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। सेकंड गियर के अंदर हमारी गाड़ी गई भाई 35-40 के बीच तक। अब थर्ड गियर लगाना है भाई हमको, ये देख सकते हो वापस लाइन न्यूट्रल पे आगे की तरफ कर दिया भाई। थर्ड गियर आपका भाई इस समय लग चुका है। थर्ड गियर के अंदर हम गाड़ी को भाई 50-55 तक चलाएंगे भाई, उससे ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करेंगे क्योंकि भाई माइलेज आपकी रिड्यूस होती है। अब 50 से ऊपर हमारी कार की स्पीड हो चुकी है, बैक करा न्यूट्रल पोजीशन में, पीछे की तरफ कर दिया भाई आपका, फोर्थ गियर लग गया। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यार मैं देखो थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया, तो यहाँ पे मैं भाई 60 से ऊपर 70 तक ले जा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकता, ये भी बहुत ज्यादा है। अब देखो गाड़ी की स्पीड स्लो हुई, 20 से नीचे हमारी गाड़ी की स्पीड हो गई, मैंने सेकंड गियर लगा दिया, फर्स्ट में करोगे तो भाई जर्क लगेगा, ठीक है। सेकंड गियर में लगाया भाई गाड़ी को, गाड़ी हमारी गई भाई 30-35 तक, दिख रहा होगा। थर्ड गियर मैंने लगा दिया, ये देख सकते हो, फिर गाड़ी को मैं ले गया भाई 50-55 तक ले जाऊंगा, फिर गाड़ी को मैं 50-55 तक ले जाऊंगा, गई भाई हमारी गाड़ी 50 तक। फोर्थ गियर लगा दिया, फिर चलाएंगे गाड़ी को, 60 से ऊपर जाएगी भाई, फिफ्थ गियर आपका लग जाएगा, 60 से ऊपर चलेगी भाई, 60 और 70 के बीच में होना इस पोजीशन पे आपको गाड़ी के अंदर भाई कुछ इस तरीके से फोर्थ पे होगी, ऐसे करके फिफ्थ गियर अपना भाई स्लॉट कर देना है। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो एक बेसिक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया भाई आपको अपनी गाड़ी के अंदर भाई अपने गियर्स को करेक्टली किस तरीके से स्लॉट करना है। ये देखो फर्स्ट में थी, सेकंड लगा दी कुछ इस तरीके से, तो भाई करेक्टली मैंने आपको गियर्स को स्लॉट करना सिखाया। बाकी भाई प्रैक्टिस करोगे इसका जो मैप है ना, बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा भाई अब मेरे को न्यूट्रल पे ले जानी है, अब मेरे को गियर चेंज करना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग के अंदर इसका जो सेंटर वाला मैप है ना, ये भाई आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद जब आप गाड़ी को भाई प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरह। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी भाई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ भाई जो अपना episode 4 है ना, वो भी मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ। episode 4 के अंदर मैं आप लोगों को भाई गाड़ी को अच्छे तरीके से भाई स्लोप पे कैसे चढ़ाना है भाई, स्लोप पे चढ़ाने की
की चीज मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि भाई गाड़ी देखो फ्रंट पे तो आपने चला ली, लेकिन भाई अगर आपको कहीं चढ़ानी पड़ जाए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एपिसोड 5 जो अपना रहेगा वो रहेगा भाई आपका कार को प्रॉपर तरीके से भाई रिवर्स कैसे करना है, ये आपका एपिसोड 5 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखा भाई वीडियो को, बस गियर्स को मैंने प्रॉपर तरीके से स्लॉट करना आपको सिखा दिया। तो भाई वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।